आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारी बालकनी में रोज गंदा पानी फेंकने की? सर मैं तो बस प्लांट्स को पानी दे रहा था, लगता है गलती से आपकी बालकनी में पानी आ गया है। गलती एक दिन होती है, रोज रोज नहीं होती है। भाई साहब माफ कर दीजिए। माफी की बात ही नहीं है, कल से वो प्लांट्स वहाँ पर नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, प्लांट्स को अगर बालकनी में नहीं रखूंगा तो क्या अपने सर पर लेकर घूमूंगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं कल ही बिल्डिंग के सेक्रेटरी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे क्या कर लेगा वो, जा बोल दे जो करना है कर ले जा। आप लोग सब पीछे हटिए। कौन है? अजीब बात यह है कि आदमी बाहर से आके यहां इस बिल्डिंग में इसने आत्महत्या की थी। यहां पर तो ये ग्रिल लगा हुआ है। दीवार की हाइट इतनी है कि यहां से तो फेंक नहीं सकता। या बैग मिल गया है सर, लेकिन टूटा हुआ है। इस ब्रीफकेस में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मरने वाले आदमी का झगड़ा हुआ किसी के साथ और उसने उसे धक्का दे दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रीफकेस में कुछ पैसे रखे ना? हो सकते हैं पैसे, हो सकते हैं कोई बड़े काम की चीज हो सकती है। सर अगर उसे पैसे ले ही जाने थे तो ब्रीफकेस के साथ ले जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पैसे तो ले गया लेकिन ब्रीफकेस को तोड़ के फेंक दिया। उस आदमी का दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना सर? पेड़ी, अगर वो ब्रीफकेस लेके बिल्डिंग से बाहर निकलता तो किसी न किसी को शक हो जाता, इसलिए उसने ब्रीफकेस में से सामान निकाला और फेंक दिया ब्रीफकेस। सर अबे कुछ दिख गया क्या? हाँ सर, ये देखिए, ये तो किसी ने अपने नाम का स्टिकर लगा रखा है। लिखा है USHAN ओशन, स्टिकर आधा है। इसमें तो कुछ गम जैसा लगा हुआ है। सर ये भी बना, ये क्या हो सकता है? ये तो किसी मशीन का पार्ट लगता है। मतलब इस ब्रीफकेस में कोई मशीन रखी हुई थी? तो हो सकता है ये जो नाम लिखा हुआ है ये ओशन, ये किसी कंपनी का नाम है और इन लेटर से हम कंपनी ढूंढ सकते हैं। हाँ सर, अब हाँ हम अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे सर। हाँ ओह ठीक है सर, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। ओके सर, या ठीक है। इसी में सर तो फोन था दिल्ली से, MMS वाले खूनी के बारे में पूछ रहे थे, कुछ पता चला है या नहीं? इस MMS वाले खूनी ने तो बवाल मचा रखा हर जगह। इजमिजा बता रहे थे कि दिल्ली में भी इस खूनी ने एक म्यूजिक डायरेक्टर का खून कर दिया है। माय गॉड, पहले एक्टर फिर सिंगर अब ये म्यूजिक डायरेक्टर। ये खूनी टीवी और फिल्म वाले लोगों के पीछे पड़ा है क्या? मगर सर इस MMS का क्या मतलब है? MMS मतलब मौत। खूनी जिसे मारना चाहता है उसका MMS बनाता है। सर ये तो खुला चैलेंज है खून करने का। इसी वजह बता रहे थे कि दिल्ली चेन्नई के बाद अब उसका निशाना मुंबई है। रागिनी MMS? सर इस नाम की एक फिल्म बनी है जो 13 मई को रिलीज हो रही है। एक तो कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया सर। ये तो हम लोगों को होशियार रहना चाहिए, कहीं खूनी का अगला निशाना एकता कपूर तो नहीं।
ना, चारों तरफ एक बार फिर से चेक करो, इतने बड़े प्रोड्यूसर आ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर मैंने अपनी तरफ से तीन तीन बार चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं सर, अभी अभी तक तो नहीं आई है, हम लोग वहीं पे हैं सर। यस सर, वैसे एकता जी को बोल दिया है थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। जी सर, यस सर, ओके ओके, मैं फोन कर दूंगा सर। ओके सर, हर जगह अच्छी तरीके से निगाह गड़ा के देखने की जरूरत है, कोनी बहुत चालाक है और खतरनाक भी, समझे? हेलो, ओके ओके, ठीक है ठीक, नो प्रॉब्लम, ओके। और क्यों गार्ड, एकता जी पहुंचने वाले हैं, सब लोग तो अपनी पोजीशंस ले लो, गो 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 गो। साथ साथ भीड़ पे भी नजर रखो, हैं? अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो उनको एक तरफ ले लेना, ओके? देखिए सब कुछ आप पूछेंगे या फिर अंदर? मैडम कुछ तो बताइए, आपकी फिल्म का बेस क्या है मैडम? हरी है मैडम, ये आपके सब्जेक्ट क्या है मैम आपकी फिल्म का? प्लीज बात कुछ तो बताइए मैम, प्लीज। जाने में कोई देरी तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन वैसे भी जब भी आप आती हैं वही सही टाइम होता है। आई जी सर, क्या बात है मैम, कोई परेशानी? नहीं। आवाज सुनी? किस तरह की आवाज? भिन भिन आने की, मक्खी के भिन भिन आने की, अजीब सी आवाज है। नहीं मैम। तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर शो, मैं रागिनी आप सबकी होस्ट। दोस्तों आज का शो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि आज हम सबके बीच है टेलीविजन दुनिया की जानी मानी प्रोड्यूसर जिनका नाम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जुबान पर छपा हुआ है। सो प्लीज वेलकम मिस एकता कपूर। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू, आपका इस शो पर स्वागत है। हमारे इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जी आपकी एक नई फिल्म आ रही है रागिनी एनिमल, बहुत चर्चा है इस फिल्म के बारे में, हमें प्लीज इस फिल्म के बारे में बताइए। कृपा की बात तो देखिए, आपका नाम भी रागिनी और फिल्म का नाम भी रागिनी होगा, भगवान करे इससे ज्यादा कोई इत्तेफाक ना निकले। क्या हुआ एकता जी? हाँ कुछ नहीं। आप कुछ पूछ रही थी? आपकी फिल्म के बारे में। बेसिकली ये फिल्म एक लड़का और लड़की की कहानी है जो छुट्टियों के लिए बम्बई के बाहर धानू जाते हैं। दोनों एक वीकेंड साथ स्पेंड करने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ उस घर की खुद की एक कहानी है। वो तो जाते हैं अकेले हैं, लेकिन घर में कुछ और ही निकलता है। लड़के ने उस घर में कैमरा लगाया कि लड़की का MMS बनाया, उसे भी नहीं पता होता कि उस घर की कहानी कुछ और ही है, और उन दोनों के साथ साथ एक तीसरा है और वो सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब कि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है।
जी, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है। माफी कहाँ का थी, इसमें दो से तीन जी कैसे हो गए? उस घर में एक अंदरूनी शक्ति भी है, एक आत्मा, जो दोनों को नहीं पता लेकिन कैमरा उसे पकड़ लेता है। वाह, हमने सुना है कि आपकी ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। देखिए, एक लड़की थी जिसके साथ ये सब हुआ, उसके साथ एक भूतिया किस्सा हुआ और वो किस्सा मैं दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। उसी से बनी रागिनी एमएमएस। एकता जी, आपकी ये फिल्म किस ऑडियंस को टारगेट करती है? बेसिकली युवा। मैं चाहती हूँ, सारे कॉलेजेस की छुट्टियाँ चल रही हैं, लोग अपने डेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सारे यंग लोग जाकर ये फिल्म देखें, एक यंग हॉरर। तो एकता जी, आपकी ये फिल्म कब रिलीज हो रही है? फ्राइडे द 13th को। कहते हैं शुक्र और राहु एक होते हैं और आत्माओं का डेरा होता है, उसी दिन मैं चाहती हूँ रिलीज हो रागिनी एमएमएस। रागिनी एमएमएस कहते हैं शुक्र और राहु एक होते हैं। ओह माय गॉड, कौन यही है? इसने अभी अभी रागिनी एमएमएस बनाया और मुझे भेज दिया। बेस्ट ऑफ लक आपका किस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। जो फुटेज है इस तरफ से रिकॉर्डिंग की गई है, इसका मतलब खूनी स्टेज के उस एरिया में होगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपकी ये फिल्म सभी जगह पर धमाल मचा दे। ओके रागिनी, आई ओके रागिनी, आई ओके रागिनी। एक मिनट पिछड़ी, एक बार आप पीछे आइए प्लीज। सबसे गले में खरोच है। खरोच है? भीड़ का फायदा उठा के खूनी ने काम कर दिया है। सचिन, सारे दरवाजे बंद कराओ, किसी को बाहर मत जाने दो। बेहोश है? एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ इसे। एकता जी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। घबराइए मत, CID आपके साथ है। आप ये बताइए कि क्या हुआ, क्या था, आप इतनी जोर से चीखी क्यों? मैं बैठी थी, इंटरव्यू चल रहा था और एक अजीब किस्म की आवाज़ मेरे कान पर आई और उसके बाद पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ थी। अजीब किस्म की आवाज़ थी और यही आवाज़ मुझे गेट पर भी सुनाई दी। वही आवाज़ गेट पे? आवाज़ किस तरीके की? एक मक्खी के भीड़ बनाने की आवाज़ थी। मक्खी के भीड़ बनाने की आवाज़? आपको मक्खी दिखाई दी थी? नहीं, लेकिन मैंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था कि कुछ दिख जाए। अब मैं वो फुटेज दे सकता? हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखिए कुछ तो है लेकिन ब्लर हो गया, कुछ साफ दिख नहीं रहा है। आप मेरा मोबाइल रख सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, इससे हमें काफी मदद मिलेगी, हम पता लगा लेंगे ये क्या है। ये आप जा सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोगों को फोन करिएगा। अब लेके जाइए प्लीज। सब लोग कान खोल के सुन लो, जब तक हमें हमला करने वाले के बारे में पता नहीं चल जाता कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। लेकिन सर हमने थोड़ी हमला किया है। क्या पता किसने किया? सर हम कह रहे हैं ना सर। अच्छा, तुमने कहा और हम लोगों ने मान लिया। देखिए, आप लोगों के पास जो भी मोबाइल या छोटे से छोटे कैमरा थे हमें दीजिए, हमें उसे चेक करना होगा। अभी पता चल जाएगा कि हमला किया किसने। लाइए लाइए। मोबाइल्स में तो कोई भी ऐसी फुटेज या वीडियो नहीं है जो इस एमएमएस से मिलती जुलती है। वही तो। सर, मैंने सारे कैमरे और इक्विपमेंट्स चेक कर लिया, किसी ने भी कोई छेड़खानी नहीं की। तो ये रागिनी के गले में जो खरोच का निशान था वो कहां से आया? सर मुझे तो लगता है कि ये हमला करने वाला यहां से भाग चुका है। सर तुमने बाहर जाने के सारे रास्ते बंद करवाए थे,
हाँ सर, यहाँ से तो कोई बाहर नहीं जा सकता। एक काम करो, बाहर जाके देखो कुछ मिलता है क्या। कोई तो यहाँ से बाहर गया है, कौन है वो? सर, एकता जी और उनके बॉडीगार्ड्स के अलावा हमारे गार्ड्स में किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, कितने गार्ड्स हैं आपके? सर 5, ये सामने देख लीजिए। गार्ड से ज्यादा गार्ड्स देखे मैंने यहाँ पे। आपके यहाँ पे ये जो शूटिंग चल रही थी ना, उसकी फुटेज दिखाई हमें। जी सर। बस रुको, ठीक है, ये 5 नहीं 6 गार्ड है। लेकिन सर, ये एक गार्ड कहां से आया? ये तो तुम ही बताओ, कहां से आया? सर मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता कि एक गार्ड कहां से आए। कमाल है, वो हमला करने वाला गार्ड की ड्रेस पहन के आया, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला। सब सही है, देखिए गार्ड की ड्रेस, ये बाहर डस्टबिन में पड़े हुए थे। सर जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, हमला करने वाले ने गार्ड के कपड़ों का इस्तेमाल किया है। सर एक बात समझ में नहीं आई कि गार्ड के कपड़े उस हमला करने वाले के पास कहां से आए थे। सब पता चल जाएगा सचिन, ये कपड़े हमारे हाथ लग गए हैं ना, ये कपड़े ही हमें उस तक पहुंचाएंगे। कहां सड़ोगे सर? क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल बस यही हुआ, और उसी हाथापाई के दौरान खूनी ने उसे धक्का दे दिया। रागिनी के बारे में कुछ पता चला था? उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, वरना मारने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रागिनी के गले पे भी खरोंच का निशान था, लेकिन ये खास बात तो खरोंच ने हॉस्पिटल वालों को जहर भी मिला। जहर मिला? मगर ये जहर आया कहाँ से? हम लोग तो वहीं पे थे। वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहर खूनी के नाखूनों में पहले से मौजूद था या उसने बाद में लगाया? अच्छा, ये एकता ने जो मोबाइल दिया था उससे कुछ पता चला? उसकी फुटेज देख के चेक की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता है। उस वीडियो में कुछ दिखा नहीं? दिखता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता। अरे वो आवाज है ना, वो मक्खी के भिनभिनाने की, उससे कुछ पता नहीं चल रहा है? अरे लेकिन वो मक्खी है ही नहीं। हा? ये लो शुरू हो गया, अभी बोल रहे भिनभिनाने की आवाज है या बोल रहे मक्खी ही नहीं है। भाई वो जो मक्खी है वो असली मक्खी नहीं है, नकली मक्खी, और वो जो आवाज है वो इसलिए है कि उसके पंखों के नीचे एक छोटी सी मोटर लगी। तो मोटर की आवाज है? बिल्कुल, मोटर ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढनी पड़ेगी तभी पता लगेगा कि रागिनी पर हमला कैसे हुआ। तो जो कंपनी से छोटे छोटे मोटर्स बनाते हैं उनके बारे में पता करते हैं। हाँ पता करो, और एक खास बात, इतनी छोटी सी मोटर बनाना हर एक के बस की बात नहीं। ये नकली मक्खी इतनी तेजी से उड़ रही थी कि कैमरा भी नहीं पकड़ पाया इसे। नकली मोटर, नकली मक्खी, मैंने तो आज तक ऐसी मशीन कभी नहीं देखी जो मक्खी की आवाज निकालती है। बड़ी मार्केट में नई नई टेक्निक्स आ गई, ऐसे ऐसे मोटर्स बनते हैं मार्केट में जो अलग अलग तरह की आवाज करते हैं। आपको पता चला उन कंपनीज के बारे में जो मोटर बनाती है? हाँ सर, ये 5 नाम है सर, टॉयज टुडे, एमके कंपनी, सुपर टॉयज, कुलभूषण एंड सन्स एंड मैजिक कार्पेट टॉयज। फिर से पढ़ना। ये टॉयज टुडे, एमके कंपनी, सुपर टॉयज, कुलभूषण एंड सन्स, मैजिक कार्पेट टॉयज। कुलभूषण एंड सन्स के आखिरी 5 अक्षर वही हैं जो उस ब्रीफकेस के अंदर लिखा हुआ था। भूषण, कुलभूषण, मतलब एकता कपूर ने जो मोटर की आवाज सुनी थी वो इसी कंपनी का था, और वो जो टूटा हुआ ब्रीफकेस हमें लाश के पास से मिला था वो भी इसी कंपनी का। क्या ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अब जी कुलभूषण एंड सन्स कंपनी में चल के देखते हैं, वहीं से पता चलेगा इस मक्खी की आवाज वाले मोटर का।
सर, इस तरह की आवाज हमारे किसी भी खिलौने में नहीं आती। आप चाहे तो खुद ही सुन सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये इस ब्रीफ केस को पहचानते हैं? ये ब्रीफ केस? हाँ, ये तो हमारे डैडी का ब्रीफ केस है। जब ये कंपनी शुरू की थी तब उन्होंने ये खरीदा था। आपके पास ये कहाँ से है? ये एक लाश के पास से मिला है। किसकी लाश? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये ब्रीफ केस आपके पिताजी रखते कहाँ थे? किस अलमारी में? ये अलमारी देख सकते हैं सर? जिस आदमी के पास इस अलमारी की चाबी है वो आया नहीं है। कौन है यार? नीलेश। दो तीन रोज से वो काम पर नहीं आ रहा। दो तीन दिन से नहीं आ? जरूर कुछ गड़बड़ है। उसका एड्रेस दे सकते हैं आप? सिर्फ ये उड़ने वाली मक्खी, इसी से खून किया जाता है। सिर्फ इस जहरीले पिन से खून किया जा रहा था, क्योंकि इससे आसानी से काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब एक तक कपूर को इसी रोबोटिक मक्खी की आवाज सुनाई दी थी। हाँ काजी, और तो और उन तीन सेलिब्रिटीज का खून भी इसी से किया गया है। पर इसे चलाते कैसे होंगे? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यही उसका रिमोट। मतलब उन्हीं नीलेश? हाँ काजल, सारे सबूत तो नीलेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ब्रीफकेस भी वही लाया, और मोटर बनाने की कंपनी में भी काम करता था, पर अब ये जहरीली मक्खी। काजल एक काम कर, आस पड़ोस के लोगों से पूछो नीलेश के बारे में कुछ पता चलता है। क्या होगा जब? ये देखिए, टायर के निशान। ये इसका मतलब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो ये देखो, इंजन ऑयल भी गिरा हुआ है। मतलब नीलेश के पास गाड़ी है, और शायद गाड़ी से कुछ पता चल जाए। नंबर काजल, अगर गाड़ी का नंबर मिल जाए तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक काम करते, आसपास के लोगों से पूछते हैं, शायद उनको पता हो नीलेश की कार के बारे में। क्यों भाई सर, ये नीलेश को जानते होंगे ना? जी हाँ, मैं जानता हूँ, पड़ोस में रहता है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। ओह, सीआईडी। बताइए मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? आपको नीलेश की गाड़ी का नंबर याद है? गाड़ी का नंबर तो मालूम नहीं, लेकिन उसके पास सिल्वर रंग की गाड़ी है। गाड़ी के बारे में आप कुछ और बता सकते हैं? वो कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जा रहा था, कह रहा था चूहे ने उसकी वायर काट दी। कहाँ है वो गैराज? अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई बॉस, कोई मालिक वालिक है या फिर ऐसे ही चल रहा है काम? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, है ना? वो देखो, वो खड़े जाइए। सब ठीक है और बढ़िया? चल ठीक है, रखता हूँ, चल बाय बाय। कहिए भाई साहब, कुछ काम था? अच्छा, गाड़ी खराब है, कहाँ है आप लोगों की गाड़ी? गाड़ी यहाँ पे है नीलेश, मेरा मतलब है नीलेश की गाड़ी यहाँ पे ठीक होने के लिए आई थी कुछ दिन पहले। हाँ सर, आई थी। आप जानते हैं नीलेश को? मैडम, बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमारे रेगुलर कस्टमर। लेकिन आप लोग?
हम लोग CID से। CID से? जी हाँ CID से। नीलेश की गाड़ी का नंबर तो याद होगा ना तुम्हें? सर मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन हम लोग कस्टमर का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें जरूर लिखा हुआ है। मैं अभी मंगा देता हूँ। सतीश जरा वो रजिस्टर लेके आना। हाँ सर, नंबर है MS02LA3872। वैसे आखिरी बार आपने कब देखा था उसे? मैडम कुछ 4 दिन पहले। बेचारा बहुत परेशान था। मैंने उसे पूछा कि परेशानी का कारण क्या है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। परेशान था? हाँ सर, फोन पे कुछ बात कर रहा था सर। क्या बात कर रहा था फोन पे? सर कुछ झगड़े की बातें कर रहा था सर। फोन पे झगड़ा हो रहा था? अगर झगड़ा हो रहा था तो तुमने सुना होगा ना, क्या बोल रहा था फोन पे? कह रहा था कि उसका झगड़ा हो गया बैंड्रा के किसी इटालियन रेस्टोरेंट में सर, जिसका उद्घाटन बुधवार को हुआ था। थैंक्स। काजल एक काम करते हैं, बैंड्रा के इस इटालियन रेस्टोरेंट में पता करते कि नीलेश का झगड़ा किसके साथ हुआ था। तब तक मैं कंट्रोल रूम में फोन कर देता हूँ नीलेश की कार के बारे में। कंट्रोल रूम से पता चला है कि नीलेश की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। गाड़ी के अंदर तो कुछ नहीं है सर। नजर खोल के देखते हैं सर। गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा है कि गाड़ी 2 दिन से यहीं पे खड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी को यहाँ छोड़ के नीलेश गायब कहाँ हो गया। पास में वो बिल्डिंग भी है जिसके छत से वो आदमी नीचे गिर के मारा था, तो वो नीलेश तो नहीं है। जब तक तो कोई ठोस सबूत मिल नहीं जाता कुछ बोल नहीं सकता। आप ये भी ड्यूटी करते हैं हमेशा? हाँ मैं, मेरा साथ ड्यूटी नहीं करूँगा तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ ये बात तो है। अच्छा ये बताओ, ये सामने जो गाड़ी खड़ी है ये कब से खड़ी है यहाँ? इस कार ने तो नाक में दम कर दिया साहब मेरी, 2 दिन हो गए यहाँ पर खड़े खड़े। कौन खड़ी करके गए कुछ मालूम है? एक आदमी उतरा था साहब, सामने वाली बिल्डिंग में गया था। सोसाइटी वाले रोज मेरे साथ झगड़ा करते हैं, जैसे मेरी कार है ये। वो आदमी दिखने में कैसा था, होलिया कैसा था उसका? साहब इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में एक ब्रीफकेस देखा था मैंने। ब्रीफकेस? हाँ साहब। अच्छा जरा ये फोटो देखें, यही था वो आदमी? शायद हो भी सकता है, मगर पक्का नहीं कह सकता साहब। मतलब सर बिल्डिंग से गिरकर मरने वाला आदमी नीलेश ही? एक काम करते हैं, इस गाड़ी में जितने भी उंगलियों के निशान मिलते हैं उन सबको डॉक्टर सालोंके के पास भेजते हैं, उस लाश की उंगलियों के साथ मिला के देखते हैं, पता चल जाएगा मरने वाला आदमी नीलेश ही था या कोई और। बॉस तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा? मालूम नहीं सर, हमने भी नहीं देखा। सर झूठ बोल के जान बचा के भाग गया होगा यहाँ से। भाग कर जाएगा कहाँ, हाथ में तो आएगा। मुझे बचाना सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये मेरा पार्टनर है समीर, सभी गुणों में इसका भी हाथ है। ओह माय गॉड, अब डर रहा है। ये तो रघु है, इस गैराज का मैनेजर। ठीक 15 मिनट बाद ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। माय गॉड, ये तो समीर भी खूनी से मिला हुआ है। हाँ सर, वो किसी को कुछ बता ना दे इसलिए खूनी इसकी जान लेना चाहता है। मतलब इसने समीर को किडनैप किया हुआ है? सर हमारे पास बहुत कम वक्त है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना होगा वरना ये रघु समीर का खून कर देगा। मैं अभी जी सर को फोन लगाता हूँ और ये MMS भी भेज देता हूँ। हेलो सर, जगह तो यही है जो MMS में दिखाया गया था। लगता समीर को यहीं कहीं बांध के रखा होगा। बांध के कहाँ रखा हुआ ये देखना पड़ेगा। वो MMS पर पीछे कुछ था ना उधर? प्यारा हो जाएगा जहाँ पे बांध के रखा हुआ है उसके पीछे ये लोगो बना हुआ है।
ये लोगों ढूंढते हैं है? और संभाल के सोनी बहुत खतरनाक है, कुछ भी गड़बड़ करे ना तो गोली मार देना, लेकिन संभाल के मरना नहीं चाहिए। भेजे हुए 12 मिनट हो चुके हैं, हमारे साथ सिर्फ 3 मिनट बचे हैं उसे बचाने के लिए। तो वो खून ऐसे कर क्यों रहा है? मरते हुए लोग कौन कैसे तड़पता है ये देखने की आदत होगी उसे, उसे अच्छा लगता है, कोई मेनिया कहीं है। काफी पुरानी मिल लग रही है सर। हाँ तभी तो जंग लगी मशीनें पड़ी हैं। देखिए लोगों, यहीं पे होना चाहिए। अरे वो लोगों वहां है, इस तरफ इस तरफ। ये रहा, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो सर, सर मैं हाथ जोड़ दो सर, मुझे बचा लो सर। अच्छा जब अपने जान पे बनाई है तो रो रहा है, दूसरों की जान लेते समय नहीं सोचा था तूने? नहीं सर, मैंने किसी की जान नहीं ली सर। यार ये तो मानने को ही तैयार नहीं, क्या करें? छोड़ देते हैं इसे यहीं पे, लटकने दो, चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने सारे पिला तो बोलने के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए। कुछ करो यार, चल। मानना पड़ेगा इन CID वालों को, वक्त के पहले ही पहुंच गए, लेकिन अब देखता हूं कि ये कहां से बच के जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। बस ड्रामा बंद कर, ये बता वो कहां है जिसने ये सब किया है? आप लोगों के आने से पहले वो यही था सर। यही था? रेडी, पकड़ के रखे सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। प्राप्त हो गया तुम्हें? मैं कसम खा के कहता हूं सर, मैं अगली बार ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। किसकी कसम? सर मैं अपने पूरे परिवार की कसम खा के कहता हूं सर, मैं अगली बार ऐसा काम कभी नहीं करूंगा सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। गुनाह तू करेगा और कसम परिवार की लेगा, हां क्यों मारता तो बेगुनाह लोगों? क्योंकि मुझे मरने से पहले लोगों को तड़पता हुआ देखने में बहुत मजा आता था सर। इंसान है कि हैवान, पर अपने साथ साथ तूने इसे भी हैवान बना दिया। हां सर, ये सब मेरे मुझे MMS बनाकर भेजता था सर। नहीं सर, मेरा कोई कुछ नहीं सर, इसने मुझे पैसों का लालच दिया था, इसने बताया मुझे।
इसने फंसा दिया और तो फंस गया। तू MMS बना रहा था और ये लोगों का खून करता। हाँ सर, मैं इन लोगों के खून किया करता था सर। मैं दूर बैठकर रिमोट से ऑटोमेटिक रोबोटिक मक्खी को ऑपरेट किया करता था सर, जिसके अंदर एक जहरीली पिन थी सर। तुमने नीलेश का खून क्यों? क्योंकि सर, नीलेश ने मुझे ऑटोमेटिक रोबोटिक मक्खी बनाकर दी थी और मुझे ये शक हो गया था सर कि वो CID को सारी बातें साफ साफ बता देगा सर। इसके लिए मैंने उसे मार दिया सर। एकता कपूर पे भी तुम्ही ने हमला किया था? जी सर, एकता जी पे भी मैंने हमला किया था सर, लेकिन जब वहां पे बवाल हो गया तो मैं वहां से भाग निकला सर। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। तीन तीन खून किए हैं तुम लोगों ने, एक ने मजे के लिए और दूसरे ने पैसों के लिए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के तुम पैसे गिनना और तुम मजे करना, फांसी का ऑर्डर आने तक।